प्रियांशु इसको देख के बहुत ही खुश हुआ रहा है, इसको ध्यान से देख रहा है, हाथ फेर रहा है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं राउत सर, और अपने साथ कौन कौन जा रहे हैं? बस एक पापा जी छोड़ के, बाकी भाई जी भाभी और मम्मी कार्तिक के प्रियांशु। चलते हैं, चलो आपको भी मंदिर दिखाएंगे। और खाना खा के नहीं जा रहे हैं, खाना साथ में लेके जा रहे हैं, वहीं पे खाएंगे, क्योंकि लोग भूखे पेट लगाएंगे, उसके बाद में खाना खाएंगे। खाना हमने साथ में ले लिया है, कहीं छांव में बैठ के खा लेंगे। ओ प्रियांशु कहाँ जा रहे हैं? जय जय करने। हेलो गाइस, आज नहीं आवा। हां आज जय करन जा रहे हैं, दोग 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 लगान जावांगे थे। आइसक्रीम खान जाओ, ये तो आगे पीछे इसका आइसक्रीम ही है, बस गाड़ी देखते कहता आइसक्रीम खाऊंगा, चढ़ूंगा आगे वाली सीट पे, अकेला ही बैठता है और किसी को बैठने भी नहीं देता। आवा में खड़े रही बस। हेलो प्रियांशु, पहले तो ये लाइट जलाएगा वो ऊपर वाली। हाँ बस, अब नीचे बैठ जा, बंद कर दूंगा, बंद कर दे। प्रियांशु कहाँ जाना है तेरे को? आइसक्रीम। धोक लगाने चला मंदिर जी दे। हैं? गाड़ी चलावे को? गाड़ी क्या चलावे? हॉर्न बजा दे, हॉर्न है पी बाजियो। हाँ मुंह ही बाजे, पिया तो बाजे बेटा, ये ना छेड़े। अगले यहाँ पे सारे फंस रहे थे, देखिए। और मैं सबसे आराम से बैठा हूँ गाड़ी में, बढ़िया वाल रही, देखिए दिग्गे से मस्त व्यू दिख रहा है पीछे का। तो गाइस मैं अभी डिग्गी में बैठा हूँ, आगे जगह आने की इसलिए मैं अभी डिग्गी में बैठा हूँ, और यहाँ पे मैं सबसे कम्फर्टेबल बैठा हूँ। यहाँ पे पीछे और जगह किसी को आना तो कृपया आ सकते हैं। अभी हम जागढ़ाणी पहुंच चुके हैं और प्रियांशु रास्ते में रो रहा था, कह रहा था आइसक्रीम खाऊंगा मैं, अभी वो अपने बाबा के साथ आइसक्रीम ले रहा है। ये आइसक्रीम आ चुकी है, बजट दी है, पकड़ियो मम्मी एक मेरी दोनों तरफ ये सेम नदी, कितनी देखिए कितनी सुंदर लग रही है, ये बहुत सुंदर है। सेम आईडी है, सेम गो पानी है वो। ये ब्लॉकपुर एरिया जो सेम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ पे बहुत ज्यादा आंदोलन हुआ था सेम के पानी के लिए। तो अभी हम राउत सर आ चुके हैं, खेतरपाल जी का मंदिर है, ये आ चुका है अपने पीछे वाला गेट है, ये खेतरपाल जी मंदिर का। यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है, लाइनें लगी हुई है मंदिर में, अभी हम प्रसाद लेंगे। खेतरपाल बाबा को मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, वो रावसर में बनेड़ो है, स्थापना लगभग 1593 ईस्वी में हुई हुईगी, रावत राव दास जोधा द्वारा करी। ये घंट जोड़े की धोखते दूल्हा ने
देखो लाइन बहुत लंबी है, यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है। आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन अठे बहुत ज्यादा भीड़ है, चौदस में भी बहुत ज्यादा भीड़ हुआ है। है भाई इतनी लंबी थोड़ी है। प्रियांशु कह रहा है मैं भी पैदल जाऊंगा, बाबा के धोख पैदल लगाऊंगा। हम प्रियांशु को धोख दिलाने के लिए आए हैं आज। अठे देखो गंठ जोड़ेगी धोख, बच्चा का जडूला भी कई अठे उतार है जिका का देवता हुआ और बच्चा की धोख लगावे भोग भरे बाद में खेतरपाल मावड़े। बहुत दूर दूर आवे अठे लोग धोख देने खातर, बहुत मान्यता है मंदिर की और खेतरपाल जी की और बायां जी को मंदिर है भी, मैं सात मंदिर बनेड़ा है। देखो एक घंटा जोड़ेगी धोख लगाना है। प्रियांशु आगे जाने की कोशिश करे गयो वो है। देखो अठे बकरिया लियाड़ा है, बकरा आंगी बली देसी खेतरपाल जी ने चढ़ासी है। ये देखो ये चिका का बोलेड़ा होवे नी भी ले गया वे तो अठे कई जना ले गया आ रहा है। प्रियांशु ने वो मेमणियों बहुत ही पसंद आया है तो प्रियांशु इनका हाथ लगावे है। प्रियांशु क्या खा रहा है ये? प्रियांशु इसको देख के बहुत ही खुश हुआ रहा है, इसको ध्यान से देख रहा है, हाथ फेर रहा है। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम प्रवेश करेंगे। अभी मैं और प्रियांशु और कार्तिक यहाँ रुके हुए हैं, वो अभी लाइन में ही है मम्मी, और हम यहाँ से लगेंगे क्योंकि प्रियांशु रोने लग गया था। ये मेन है, मेन गेट है, यहाँ से अंदर इनको मंदिर में चढ़ाने के लिए लेके आए हैं बकरों को। ये मेमना ये यहाँ पे छोड़ के जाएंगे मंदिर में। पहले के टाइम में तो बलि दी जाती थी लेकिन अब यहाँ पे छोड़ देते हैं, कान में कुछ डालते हैं, कुड़कली बोलते हैं शायद उसको, कुड़कली डालते हैं और यहाँ पे छोड़ देते हैं इनको। ये देखो काफी लोग लेके आए हैं यहाँ पे। यहाँ शुरू हो रहा है बहुत ज्यादा, बहुत टाइम लग गया। अच्छा
सुबोध ही नहीं आ रहा है, जिद कर रहा है नीचे चलूंगा मैं। केतरपाल जी का मंदिर मेन मन ओ अटके बंद है खेजड़ी ओ इने लगा बंद है सोना पानी पिएगो चलो तो बहुत ही ज्यादा रो रहा था इसको गुब्बारा दे रहा है पहले ही। सात मंदिर है बाया जी का है? सात मंदिर बनेड़ा है ठे खेतरपाल मंदिर के अंदर ही मंदिर है बाया जी का अलग अलग तो अठे दोक लगा से एक माला सी जी बेरू जी सुबह ये खिलौना दिए जानने वाला तो अभी हम धोक लगा के फिर वापस जा रहे हैं घर पे और अभी टाइम हो रहा है लगभग दोपहर के 2 बज रहे हैं और यहाँ पे देखो ये देखो तुम्बों की खेती कर रहे हैं ये सारे तुम्बे पड़े हैं तुम्बों की खेती मैंने पहली बार देखी है यहाँ पे ढेर लगे हैं मैं देखो तो अभी हम दोरे वाला मंदिर आ चुके हैं जो जाखड़ाणी के पास है ये देखो